कांग्रेस की एससी एसटी विंग और एनएसयूआई ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। जनपद अमरोहा के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी के एससी एसटी विंग के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह और एनएसयूआई के जिला महामंत्री मासूम सैफी और उनकी टीम के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दलित छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रणाली के खिलाफ शासन आदेश जारी किया गया है, उस शासन आदेश के खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि सरकार ने दो शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति देने के लिए दलित छात्रों और छात्राओं के सामने 55% मार्क्स आने अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। वह सरासर अन्याय है और इससे छात्र छात्राओं के भविष्य पर बड़ा फर्क पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये शासन आदेश सरकार वापस ले और दलित छात्र छात्राओं को पहले की तरह पढ़ने का समान अवसर प्राप्त करें। इसी को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा और सरकार से इस काले कानून को वापस लेने की मांग की। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मासूम सैफी है, मैं एनएसयूआई महासचिव जिला अमरोहा से हूँ। जी, मैंने अभी डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें छात्रों को जो एससी एसटी के छात्र हैं उनको शुल्क शिक्षा पूर्ति दिए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले क्या था, छात्र छात्राओं को बिना किसी अंक की कोई बाध्यता नहीं थी, ऐसे ही सबको शुल्क शिक्षा पूर्ति दी जाती थी। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, ऐसे माहौल में इस टाइम में सरकार ने बहुत गलत किया छात्रों के साथ। जो एससी एसटी के छात्र हैं उनको शुल्क शिक्षा पूर्ति 55% अंक लाने पर ही दिया जाएगा, ऐसा जो नियम कानून सरकार ने दिया है, लेकिन हम उसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं कि जो ये सरकार का निर्णय है ये वापस लिया जाए। ये छात्र विरोधी है, ये जनता के हक में नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि जो अपना फैसला है इस पर फिर से विचार किया जाए और छात्र हित में फैसला लिया जाए, नहीं तो एनएसयूआई उत्तर प्रदेश एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी और इसके खिलाफ पूरा विरोध प्रदर्शन करेगी और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है, मैं यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ एससी एसटी का। जी, आज डीएम महोदय को हमने अपनी बातों से अवगत कराया है। इस काले कानून का हम विरोध करते हैं जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एससी एसटी समाज के लिए दिया है। ये सरकार बिल्कुल ये नहीं चाहती कि एससी एसटी वर्ग उभरे, वो तरक्की करें, उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इस कानून को बदलने की क्या आवश्यकता थी। आज तक देश आज़ाद से लेकर के आज तक एससीओ को इस सारी सुविधा का सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी जा रही थी, उनके बच्चों को शिक्षा का सारा प्रबंध था, उनके बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे और हायर स्कूल में हायर एजुकेशन में वो इस सुविधा का लाभ उठा करके अपने जीवन यापन करने का उनका रास्ता था। ये सरकार उन रास्तों को सारों को बंद कर देना चाहती है। हम इस काले कानून का विरोध करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये काले कानून को बदलाव न कर दें।